सेलिंग तो डेली मेरा 10,000-12,000 का, मतलब सेलिंग ऐसे हो यानी पर डे यहाँ से काउंटर सेल। हाँ, काउंटर सेल 10-12,000 का, 12,000 का पर डे अभी फिलहाल चल रहा है। महीने का 3-4 लाख का हुआ आपके? हाँ, यहाँ से 3-4 लाख का सेल, 3 लाख रुपए सेलिंग चल रहा है। आज मैं आपको लेकर पहुंच चुका हूँ एक नोटबुक बनाने की फैक्ट्री में। आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं, अजय इंटरप्राइजेस, ये नोटबुक मैन्युफैक्चरर है और यहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई है बिहार सरकार के उद्यमी योजना के तहत। उद्यमी योजना से इनको 10 लाख रुपए, 10 लाख मिला था आपको, 10 लाख रुपए की मदद मिली, जो 50% सब्सिडी था, मतलब 5 लाख रुपए लौटाने नहीं थे और 5 लाख लौटाने थे ईएमआई से। हमारे साथ अजय जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। थोड़ा सा कैसे शुरुआत हुई आपकी फैक्ट्री का, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, पहले तो हमने उद्यमी योजना का स्कीम देखा, उसको अप्लाई किया। वैसे तो एक बार अप्लाई किया तो फिर से रिजेक्ट हो गया था, फिर से मैंने दोबारा ट्राई किया उसको। दोबारा ट्राई करने के बाद से लक मेरा चांस अच्छा रहा कि लॉटरी में मेरा नाम आ गया। और कोई पैर भी नहीं। ऐसे लोग घर बैठे सीधे कमेंट कर देते हैं यार, बोल देते हैं कि भाई जिनका पैर भी होगा उन्हीं का होगा। ऐसा अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, कोई किसी का भी बिना पैर भी का ही हुआ है सबका, और सबका अचानक से, किसी को ये नहीं था कि मेरा हो ही जाएगा, ऐसे ही हो गया कि भाई लॉटरी में नाम आया और मिला। अभी देखिए सर, भाई मैं लॉटरी चेक भी नहीं किया, मुझे 1 महीना बाद उद्यमी विभाग से, गोपालगंज विभाग जो उद्योग विभाग है वहाँ से कॉल आया कि आपका नाम आ गया, आपका नाम आ गया। तो मैं 1 महीना बाद जाके सारा जो डॉक्यूमेंट उन लोगों का रिक्वायरमेंट था उसको सबमिट किया, उसके बाद से मुझे पता चला। लोन के बारे में पूरा डिटेल हम बात करेंगे, कैसे आप भी इस तरह का लाभ ले सकते हैं। उससे पहले नोटबुक की एक पूरा हम डिटेल दिखा दें कैसे काम होता है। ये देख सकते हैं, ये रॉ मटेरियल है, ये पेपर इस तरह का कटा हुआ अखबार के साइज का इस तरह से आता है, हम दिखा रहे हैं, तो बंडल में बंद हुआ और ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है रॉ मटेरियल अपने यहाँ। हाँ, आसानी से मिल जाता है। ये देख सकते हैं, ये साइज है रॉ मटेरियल का, इस तरह का रोल किया हुआ लाइनिंग वाला पूरा, मतलब रेडीमेड आता है ये, लाइनिंग खींचा हुआ सब कुछ आता है, खींचा हुआ आता है, बस कवर और पेपर लेना है। और हाँ, ये कितने रुपए वाला कॉपी बना रहे हैं आप? 20 रुपए। 20 रुपए वाला, कैसे अंदाजा कितना पेपर इसमें है? इसमें 13 सिक्का है। 13 काउंट कर रहे हैं जी, काउंट करके इसमें 13 सिक्का, कितना पेज का हो जाएगा ये बनने के बाद? 52 पेज का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैसे आप काउंट करते हैं ये, उसको बना के दिखाइए। लोगों को तो आदत हो जाता होगा बनाते बनाते, इस तरह से काउंट कर लिए 13 सीट और उसके बाद फोल्ड कर लिए, ये फोल्ड करके आपने रखा हुआ। इसको 4 पार्ट में फोल्ड करते हैं। अच्छा, ये क्रीज लगा देते हैं उसको फोल्ड के लिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको पिन करेंगे। ये स्टिचिंग मशीन है, थोड़ा सा स्टिच करके दिखाएं। ये स्टिचिंग मैनुअल स्टिचिंग मशीन है, बहुत सारे वीडियो में, मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, ऑटोमेटिक वाला मैंने दिखाया था आपको, ये मैनुअल है। ये पैर से पैडल दबाएंगे और यहाँ पे पिन लग के तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिच हो गया, ये 4 जगह पे स्टिच हुआ है, इसमें दो दो एक एक कॉपी में आ जाएगा। इसके बाद कहाँ जाएगा? कटिंग मशीन पे। ये कटिंग मशीन है 32 इंच वाला, बहुत से साइज का कटिंग मशीन आता है, इससे बड़ा बड़ा भी, लेकिन नोटबुक में सबसे ज़्यादा 32 इंच वाला ही यूज होता है। अच्छा, बिल्कुल भी साउंड नहीं है इसमें, ज़्यादा साउंड नहीं है। ये लॉक छुड़ाया आपने और ये ऑटोमेटिक नीचे ब्लेड जाएगा और कट करके ऊपर आ जाएगा और ऑटोमेटिक ये अपने आप लॉक लग जाता है इसमें। देख सकते हैं इस तरह का ये नोटबुक बन के तैयार हो गया। स्टोव थोड़ा सा दिखाते हैं इसमें, ये देख सकते हैं। ये कितने वाली कॉपी है? ये पूरा 50 वाली है। 50 वाली है, ये 10 वाली है जो मात्र 6 रुपए मिल जाती है। 6 रुपए में? हाँ, 6 रुपए। बनाने में लागत कितना आता है? बनाने में वही लागत आता है 4 रुपए 90 पैसा, नियर अबाउट इसी के आसपास रहता है। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, ये रॉ मटेरियल ऊपर नीचे होते रहता है। हाँ। जैसे कि पहले ये आता था 68 रुपए केजी खरीदते थे, अभी 64 हो गया है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। कितना का टोटल मशीनरी आपने लेके इस फैक्ट्री को चालू करने में कितना? हाँ। खर्च लगा आपका पूरा? तो इधर आजा बाबू। हाँ, मशीन बैठाने में तो लगभग 6 लाख रुपए लग जा रहा है। 6 लाख? हाँ, उसके पूरा फुल सेट का, उसके बाद 4 लाख का मैंने रॉ मटेरियल इसमें डाला हुआ है। अच्छा, ये फुल सेट, ये सब मशीन कितने की आई लगभग? पूरा 170 की है कटिंग मशीन, 170 के आसपास की है। और बाकी स्पाइरल मशीन? स्पाइरल मशीन 40 की है। और वो मैनुअल स्टिच मशीन कितने की है? 45 की है। ये सब और भी वो एज स्क्वायर मशीन आपने ऑर्डर किए ऑर्डर किए हुआ है।
मतलब फुल सेट मशीन, छह मशीनों का सेट आता है, पांच छह मशीनों का, छह मशीन पूरा मिला के 6 लाख रुपए पड़ जा रहे हैं शुरुआती इन दो मशीनों से स्टिचिंग और कटिंग से कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लोन के बारे में बताएंगे, उसके बाद कितना पार्ट पार्ट करके पैसा मिला था आपको? पहले तो सर क्या बोलते हैं, फर्स्ट किस्त में पहले हम लोग ट्रेनिंग में गए, ट्रेनिंग पूरा कम्प्लीट, ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद से लगभग 1 महीना लग गया, 1 महीने या 28 दिन में पहले 4 लाख रुपए मिला। 4 लाख रुपए मिलने के बाद से मशीन का ऑर्डर किया जाता है, मशीन का ऑर्डर करने के बाद से उसका स्लिप उद्योग विभाग में जमा किया जाता है, पेपर जो आपने मशीन परचेज किया उसका पेपर जमा करेंगे, इनवॉइस जमा कर दिया जाता है, कोई फाइनली बिल नहीं होता है, कोटेशन कोटेशन, फिर जो 4 लाख आता है उसके बाद से जब फाइनल उसका बिल जमा किया जाता है 6 लाख वाला, 6 लाख वाला जमा करने के बाद से 2 लाख रुपया आएगा तो अपना स्टार्ट कर लिया जाता है, किसी का जल्दी आ जा रहा है तो स्टार्ट कर ले, नहीं तो खुद से स्टार्ट कर ले। मैंने 10 लाख रुपया मिला टोटल, आपने 6 लाख मशीनरी पे खर्च किया, 4 लाख का रॉ मटेरियल। अभी कितना प्रोडक्शन पर डे कर ले रहे हैं आप? पर डे का तो प्रोडक्शन मेरा मान के चलिए, सेलिंग तो डेली मेरा 10,000-12,000 का, मतलब सेलिंग ऐसे हो, यानी पर डे यहाँ से काउंटर सेल, हाँ काउंटर सेल 10-12,000 का, 12,000 का पर डे अभी फिलहाल चल, यानी महीने का 3-4 लाख का हुआ आपके, हाँ, यहाँ से 3-4 लाख का सेल, 3 लाख रुपए सेलिंग चल रहा है फिलहाल। तो वही कहाँ कहाँ तक माल भेजते हैं? यहाँ से लेकर हम बथुआ देते हैं, बथुआ से राजापुर बाजार तक, वहाँ तक जाता है, माने यहाँ से 50 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ, यहाँ कोयला दवा के तरफ, फिर से बंसी बतरा पकड़ लीजिए, मजरवा पकड़ लीजिए, चारों तरफ मेरा माल सेल हो। अगर बाहर से कोई ऑर्डर दे आप लोगों को कि भाई फोन से, जैसे बहुत सारे लोग है भाई लोकल को वोकल कर रहे हैं, भाई लोकल लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं आपसे चाहे कि हम आपसे माल लें, तो कहाँ तक भेज सकते हैं? अभी तो हम 30-40 किलोमीटर तक जा रहे हैं, अगर ज्यादा दूर भी बोलेंगे तो बस वही ट्रांसपोर्ट से भेज सकते हैं, आराम से भेज सकते हैं, क्योंकि खुद मैं डिलीवर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको आके लेके जाना है, मैं खुद जाके डिलीवर करके हैंड ओवर करके उसके बाद। अच्छा, बहुत सारे लोग का होता है कि भाई लोकल में उस टाइप की नोटबुक नहीं मिलेंगे, जैसे क्लासमेट हो गया या बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह की बनाती हैं, उस तरह का आप लोग बनाते हैं? उस तरह का भी बनाते हैं, जैसा लोएस्ट लोएस्ट हाईएस्ट साइज जैसा कॉपी चाहिए वैसा मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। होलसेल में कितना परसेंट का मार्जिन मिल जाता है आप रिटेलर को देंगे होलसेल रेट पे, तो वो जो रिटेल शॉप में सेल करेंगे उनको कितना लगभग प्रॉफिट हो सकता है? हम भी लोगों का कम है सर, उनका तो पूछिए 40% लोग कमाते हैं, 40% आपसे लेके कमा सकता है, कमा सकते हैं, क्योंकि मैं 6-10 वाला कॉपी मिनिमम मेरा जो सबसे लोएस्ट है 6 रुपए में दे देता हूँ और 10 रुपए में बेचते हैं। जो क्लासमेट का आपको जिक्र किया कि क्लासमेट वाला क्वालिटी के पेपर 7 रुपए में देते हैं, 8 रुपए में देते हैं, तो उसमें वो लोग 20% कमाते हैं। पहले क्या करते थे? इससे पहले तो सर पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन कम्प्लीट, बस रोजगार के चक्कर में, कहीं नौकरी का ट्राई नहीं किया, कहीं प्राइवेट नौकरी वगैरह की ट्राई नहीं किया? ट्राई किए थे सर, एक क्या बोलते हैं जो समूह वाला जो लोन चलता है ना उसमें मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, 8,000 रुपये लगाए हुए थे, उसके बाद से उसमें रहना खाना पीना तो हमको अच्छा नहीं। कैसे ये प्लान आया कि भाई हमें फैक्ट्री चलाना चाहिए? सर मुझे तो पहले से ही मतलब थॉट में रहता है कि बिजनेस करना है, अभी अच्छा बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस करना है, जैसे मेरा अभी आपको बता ही रहे थे कि मेरा एम है कि मैं अपना ट्रेड लाइसेंस लूँ, इन फ्यूचर अगर अच्छा रहा, सब चीज़ अच्छा रहा, अगर ट्रेड लाइसेंस लिया तो आगे चल के फ्रेंचाइजी लेवल पे इसको हम कर देंगे, अलग अलग आपके डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप देंगे, यही में रहे हैं मैं इसका चलाने का, क्योंकि इसको हम मुझे फ्रेंचाइजी लेवल पे लेके जाना है। अच्छा, कोई जो माल लेना चाहते हैं आपसे बाहर से मंगाना चाहते, मिनिमम कितने का आप ऑर्डर पहुँचा देते हैं या भिजवा देते हैं? मिनिमम वही 8-10 हज़ार रहता है तो पहुँचा देते हैं, यहाँ से मैं ले जाके पहुँचा देता हूँ, उससे कम का रहता है तो हम बोलते हैं नहीं सर तो आपको आना पड़ेगा। फैक्ट्री लगा के संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। ओवरऑल कितना कमा लेते हैं अभी? तो फिलहाल सर वही अभी मतलब कम बेस करके वही 25-30 हज़ार रुपये महीना बच जा रहा है। कितने लोग रोजगार दिए हुए? दो लोग काम करते हैं। सब लोग लोकल ही हैं? हाँ लोकल ही है, यही आते हैं, जब ज़्यादा बल्क में काम होता है तो यहीं के हैं, सेमरा बाजार के आसपास के हैं, वो लोग आके बना के चला जाते हैं, आके बना के उन लोगों का तो यही है, टेंडर पे बनाएंगे, टेंडर पे उतना हम पैसा दे देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। ऐसे जब छोटे छोटे उद्योग खोलेंगे अपने लोकल क्षेत्रों में तो लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जैसे भाई ने दो लोगों को रोजगार दिया हुआ है, तो ऐसे फैक्ट्रियों को सपोर्ट करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं से नोटबुक यूज कर रहे होंगे, स्कूल हो या पर्सनल यूज के लिए भी, कहीं ना कहीं बाहर से मंगा रहे होंगे, जब सेम क्वालिटी का सेम चीजें लोकल में और सेम प्राइस पे उस हो सकता है कि उससे सस्ता भी मिले, तो आप लोकल से क्यों नहीं खरीदे? लोकल से खरीदेंगे तो भाई अगर लोकल में फैक्ट्री चला रहे हैं तो इन्हें भी हिम्मत मिलेगी भाई कि हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं तो हमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और भी जैसे ये आगे बढ़ेंगे तो और लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग भी आगे बढ़ेंगे।
तो मैं भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप सीधे कॉल करके यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं, कॉपी मंगा सकते हैं, या अपने ऑर्डर के हिसाब से स्कूल वगैरह की अपना ब्रांडिंग करा के अपना बनवाना चाहे कोई तो बनवा सकते हैं, जो भी चाहे अगर चाहे तो अपना के अपने स्कूल के नाम से कॉपी लॉन्च करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपको शुभकामनाएं इस फैक्ट्री के लिए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे लिए कोई भी सुझाव हो तो उसे भी कमेंट से जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, ताकि इस तरह के उद्योग जो लोग तलाश कर रहे होंगे, इस तरह की फैक्ट्री के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। नमस्कार।